है ना, होश में आओ, क्या हो? बात बताओ, जिस दिन वो बाहर से कमरे के अंदर आई थी, तुम वही मौजूद थी या बाद में आई हो? नहीं, मैं कमरे में थी, एकदम दरवाजे से आई है और धड़ से बिस्तर पे गिर गई। फिर क्या, सारी रात नहीं सोई, सुबह देखा तो बिस्तर से गायब थी। क्या हो सकता है, उसने कुछ कहा तुमसे? नहीं, मैंने इतना इसरार किया, इतना पूछा मैंने उसे, लेकिन वो चुप रही। उसके डैडी इस्लामाबाद में किसी दफ्तर में काम करते हैं और मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मैं किसको इत्तला करूं? मैं तो बहुत परेशान हूं, मैं तो समझ में नहीं आ रहा। सानिया, ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसे अगवा कर लियो? अगवा कर लियो किसी ने? कौन कर सकता है? अच्छा तुम इस ना करो, फिक्र नहीं करो, मैं दफ्तर चलती हूँ अब। दफ्तर? हाँ, मैंने एक डेली अखबार ज्वाइन कर लिया है, आज रिपोर्ट करनी है, मैं इसीलिए वहीं पर जा रही हूँ। दरअसल तुम्हारे फोन आने से पहले मैं दफ्तर जाने के लिए ही तैयार हो रही थी। अच्छा, मैं वापसी पर यहीं आ जाऊंगी, फिर कोई सूरत निकालते हैं। ठीक है, ठीक है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। Excuse me. जी फरमाइए। मुझे एडिटर साहब ने आपके पास भेजा है। किसकी सिफारिश पर? सिफारिश? क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है आप डायरेक्ट बात कर सकती हैं, एडिटर साहब का हवाला देना जरूरी? इसलिए कि उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है, ये है मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट। I'm sorry जी, वेलकम, तशरीफ रखिए। थैंक यू। क्या पियेंगे आप? जी कुछ नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी। जी। मुझे अखबार का कोई तजुर्बा नहीं है। पहले मुझे भी नहीं था, लेकिन लिखने का है। सभी को होता है जो सोचते हैं। जी मैं सोचती हूँ जिंदगी के बारे में और जिंदगी की नाहमवारियों के बारे में, बाइख्तियार और बेइख्तियार लोगों के बारे में और उनके दरमियान फैले हुए फासलों के बारे में। और बस मेरा ख्याल है इतना काफी है। मुझे एडिटर साहब ने कहा था कि मंसूर साहब आपको गाइड कर देंगे। अच्छा तो स्पोर्ट्स में आपको क्या पसंद है? स्पोर्ट्स में? मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स इतनी बोरिंग तो नहीं होती। मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन आपके चेहरे से तो यही लग रहा है। बहरहाल फुटबॉल एज ए गेम कैसा लगता है आपको? डैशिंग। गुड, वेरी गुड। लेकिन मेरा ख्याल है आप इंटरनेशनल फुटबॉल के बारे में कह रही हैं, वर्ल्ड कप देखा होगा? जी हाँ, मगर मैं पाकिस्तान में फुटबॉल के हवाले से बात कर रहा हूँ, शायद ही आपने कोई मैच देखा हो। ये तो है। अच्छा ऐसे कि हमारे यहाँ चंद दिनों में एक नुमैशी फुटबॉल मैच खेला जा रहा है, आप उसकी कवरेज कर लें। इस सिलसिले में आप लोग क्या कर चुके हैं? एक्चुअली मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, इसलिए अगर आप मुझे इसकी ब्रीफिंग दे दें तो। क्यों नहीं, अगर ये ब्रीफिंग ओवर ए कप ऑफ टी की जाए तो बेहतर होगी। चलिए फिर मैं फोन भी कर लूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ कर लीजिए, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है, पहले 9 मिलाइएगा। जी ये अली नासिर साहब का ऑफिस है? जी हाँ, लेकिन वो भी तशरीफ नहीं लाए। उनका कोई फोन? जी हाँ, उनका फोन आया था जिन्ना हॉस्पिटल से, वो किसी इमरजेंसी में थे। इमरजेंसी जिन्ना हॉस्पिटल?
सानिया अंदर है। क्या हुआ उसको? ये तो अभी कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं पता। तुम्हें किसने बताया? स्टेडियम से निकलकर जा रहा था, सड़क पर बेमकसद जाती हुई दिखाई दी। मैं उसके पास गया, मुझे देखकर वो भागने लगी। मैंने उसे रोक लिया। वो कहने लगी, मैं वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। उसके बाद वो कोलैप्स कर गई। हम अंदर जा सकते हैं? नहीं, अभी परमिशन नहीं। रिलैक्स, बात मत करें प्लीज। डॉक्टर साहब, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, टेस्ट के रिजल्ट के बाद ही कुछ बता सकता हूँ। डॉक्टर साहब, फिर भी कुछ तो प्लीज। मैंने इन स्कून का इंजेक्शन लगा दिया, 2 घंटे तक इनसे बात करें। कैसी अजीब बात है सानिया, ये लड़की जो हमारे दरमियान बेहोश पड़ी है, हमारी दोस्त है, मगर हम एक दूसरे से ना तो इसके बारे में कोई सवाल कर सकते हैं, ना ही किसी सवाल का जवाब दे सकते हैं। नहीं जानती। अम्मा, तुम ताहिरा का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? कैसे छोड़ दूं उसका पीछा है? पैसा खर्च किया है उस पर, वक्त दिया है सबने उसे, पीछा छोड़ दूं? कौन सा वक्त दिया है तुमने उसे? कितना पैसा खर्च किया है? मैं देती हूं। वाह, ये जो तू इतना बड़बड़ कर बोल रही है ना, अरे जानती हूं मैं कि तेरे मुंह में किसकी जबान है। सुन, हद से आगे बढ़ने की कोशिश ना किया कर। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं तो कुछ भी नहीं कह रही, सिर्फ इतना सुन लो कि जो तमाशबीन होते हैं ना जाने जाना, इनके लिए हम जैसी औरतें कागज की वो प्लेटें होती हैं जिनमें सिर्फ एक बार मुंह मारकर फेंक दिया जाता है। और ये जो मोबाइल है ना, ये सिर्फ मोबाइल ही रहते हैं। मैं जो बात कर रही हूँ वो ताहिरा की बात कर रही हूँ। अरे ढूंढ निकालूंगी उसे भी मैं, चाहे वो जमीन की सातवीं तह में क्यों ना चली जाए। ये तेरा मामा मुफ्ता कहाँ मर गया है? चाट रहा होगा किसी की दहलीज। कमबख्त। ओहो, ना किया करो इस तरह की बातें बाजी मेरे बारे में। कमाल है, मैं तुम्हारे लिए एक क्लास किस्म की खुशखबरी लाया। हाँ, तू जा अंदर, चल। मेरी एक बात सुन लो, अगर ये सब कुछ करना था तो उसे इतना पढ़ाया लिखाया क्यों था? चली जा अंदर, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। जा। चलो,
तुम उसकी बात का जवाब मुझे ही दे दो। फालतू बकवास ना कर। अच्छा बता खुशखबरी क्या है भाई? खुशखबरी ये है कि ताहरा काम करने वाली औरतों के हॉस्टल में रहती है। हॉस्टल? जी ताहरा यहीं रहती है? जी हाँ। क्या मैं बैठ सकती हूँ? आए बैठे। शुक्रिया। क्या पियेंगे आप? जी कुछ नहीं, आप बस ताहरा को बुलवा दें। कहाँ है वो? जी वो आप कौन है उसकी? मैं आंटी हूँ उसकी। आंटी? आप रूममेट हो उसकी? क्या काम करती हैं? मैं एक ऑफिस में कंप्यूटर प्रोग्रामर हूँ।